गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर 4, दैट इज फ्रैक्शन। ओके, सो सब टॉपिक्स आर देयर, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्शन? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। जो होल होता है टोटल, उसका क्या होता है पार्ट। कोई भी हमने टोटल चीज ली, जैसे आप होल नंबर्स तो आप एग्जैक्टली बता देते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट पार्ट, इसका कुछ पार्ट अगर आपने लिया, जैसे आपके पास है वन चपाती है, ओके, एंड यू मेक इट्स टू पार्ट एंड यू टेक इट्स वन पार्ट। सो हाउ मच यू टेक फ्रॉम टू, यू टेक वन, so we write 1 out of 2, means total part are 2 and you take 1 part, so that is 1 upon 2। अगर आपने अर्ली ये बोल दिया कि आई टेक 1 पार्ट, तो क्या आपने 1 कंप्लीट पार्ट लिया? नो, फ्रॉम 2 पार्ट यू टेक 1। सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल एंड पार्ट ऑफ कलेक्शन। कोई भी, जैसे कलेक्शन है आपके पास, घर पे कोई भी सामान आता है, कोई भी चीज, जैसे एप्पल्स आ गई आपके घर पे, एप्पल आई है, 10 एप्पल्स है आपके पास, तो 10 एप्पल्स में से यू टेक 2 एप्पल्स। सो व्हाट यू विल से, अगर आपने ये कहा कि आई टेक 2, तो अब यहाँ से जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज फिर उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि फ्रॉम 10, आई टेक 2 फ्रॉम 10। दैट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से दैट 2 आउट ऑफ 10, कि आपने 10 में से 2 लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेस्ट हुआ है, वीकली टेस्ट हो रहा है, 20 मार्क्स का हो रहा है स्पोर्ट्स, ओके, यू गेन 15 मार्क्स, ओके, सो व्हाट यू विल टेल दैट आई गेट 15 मार्क्स। अगर आपने ऐसे बोला कि आई गेट 15 मार्क्स, सो जो आपके सामने है वो आपसे क्वेश्चन रेज करेगा कि फ्रॉम हाउ मच, कितने में से आपको 15 मिले। सो व्हाट यू विल टेल, यू विल टेल दैट फ्रॉम 20, I get 15 from 20. 20 में से आपको 15 मिले। So directly if you tell that 15 out of 20, I got 15 out of 20, तो आपको ये explain करने की जरूरत नहीं कि कितने में से, direct यहाँ पे पता चल रहा है कि 20 में से आपको 15 मिले। Okay? So fraction part and is a part of whole and is a part of collection. जो group होता है, collection होता है, उसका part होता है, या फिर वी कैन से दैट पार्ट ऑफ होल। सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने जितने भी राइट किए ऑल आर द प्रॉपर। व्हेन एवर योर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन ग्रेटर डिनोमिनेटर, व्हेन एवर योर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, सो इन दैट दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, 10 में से 2, सो दैट इज, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 आउट ऑफ 2, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉल डिनोमिनेटर इज बिग। 15 आउट ऑफ 20, न्यूमरेटर इज स्मॉल डिनोमिनेटर इज बिग, सो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। So all the proper fractions are less than 1 and greater than 0, okay? ये जो numbers fractional number होते हैं आपके पास, जितने भी fractional number होते हैं, they lie between two whole numbers। ये आपके पास two whole number के बीच में lie करते हैं, चाहे कैसे कि इतने ही बड़े आपके पास fraction हो, वो आपके पास, जैसे आपने write किया 6 whole 7 upon 10, ये कैसा है आपका, ये 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 6 तो कंप्लीट है, 6 से आगे और 7 से स्मॉल है। ओके, ऑल द फ्रैक्शंस आर लाई बिटवीन टू होल नंबर्स, जितने भी फ्रैक्शंस है वो आपके टू होल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। अब आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारे प्रॉपर फ्रैक्शन कितने बड़ा देखने में हो आपका, अब आपको दिख रहा है 15 अपॉन 20, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। 1 कब बनेगा ये? व्हेन यू हैव 20 अपॉन 20, व्हेनेवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो दैट्स इक्वल्स टू 1,
जीरो एंड वन, जो आपके बीच के जो नंबर होते हैं। अब होल नंबर्स तो आपको पता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वट आर दीज, दीज आर द होल नंबर्स, सो दैट यू नो वेरी वेल। बट इनके बीच में भी जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, सो दैट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल एंड द नंबर्स विच लाई बिटवीन होल नंबर्स, होल नंबर्स के बीच में जो लाई करते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गए, लाई बिटवीन जीरो एंड वन, द न्यूमरेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज बिग। देन आफ्टर दैट यू हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका अपोजिट होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 10 अपॉन 6, 9 अपॉन 2, वेन एवर योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर n इज ग्रेटर देन d, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड वेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर स्मॉल होता है देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आफ्टर दैट यू हैव लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर सेम दैट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ओके, एंड द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट दैट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं दैट आर अनलाइक एंड डिनोमिनेटर सेम दैट आर लाइक। दिस इज फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 10, 6 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, 5 अपॉन 10, all denominators 10, 10, 10, 10. So these are called like fraction. So for like and unlike fractions, we require two and more than two fraction. जब तक हमारे पास कम से कम two fraction तो होने चाहिए like और unlike के लिए, हमारे पास मिनिमम टू फ्रैक्शन तो होने चाहिए। इफ यू हैव टू फ्रैक्शन देन यू कैन टेल इट इज लाइक और अनलाइक, क्योंकि हमें लाइक और अनलाइक के लिए डिनोमिनेटर्स चेक करने, सो फॉर दैट वी रिक्वायर मिनिमम टू फ्रैक्शंस, कम से कम टू फ्रैक्शन तो होने चाहिए तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि दीज आर लाइक और अनलाइक। नाउ देयर इज 10, 10, 10, सो दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। ओके, इफ यू हैव 7 अपॉन 9, 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 10, नाउ देयर इज 9, देयर इज 5, देयर इज 10, ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, व्हेन योर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट दैट आर द अनलाइक फ्रैक्शंस, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम दैट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, आफ्टर दैट वी हैव यूनिट फ्रैक्शन, व्हाट वी हैव, यूनिट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दोज न्यूमरेटर इज वन, वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर क्या हो वन, दैट आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मीन्स क्या होता है, वन, सो इफ योर न्यूमरेटर इज वन सो दिस इज यूनिट फ्रैक्शन, इफ योर न्यूमरेटर इज वन सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव, वेन एवर योर न्यूमरेटर इज वन that fractions are called unit fraction. Okay, after that unit fraction you have equivalent fractions. Equivalent fractions are which, the fraction which have equal value, जिनकी value क्या हो equal, look में different है, देखने में आपको different दिखते हैं but the meaning is same, उसका meaning क्या होता है आपके पास, same। जैसे for example 1 pizza, okay, and you make it 2 part, okay, so and if you take 1 part, so it's become 1 upon 2, and the same pizza you have, and you make it 4 part, and from 4 you take 2 part,
So its fraction is 2 upon 4. But the value is same. This is half and this is 2 upon 4. But the meaning is same. इसमें भी आपको उतना ही मिलेगा जब आपने 4 में से 2 पीस ले ली या फिर आपने 2 में से 1 पीस लिया. तो पीस तो आपको इक्वली मिलेंगे. ओके बट हमने फ्रैक्शनल नंबर क्या कर दी, डिफरेंट. फ्रैक्शनल नंबर जो है वो हमारे डिफरेंट हो गए. दिस इज 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 2 अपॉन 4. दैट मीन्स द बोथ आर इक्वल. बोथ आर इक्वल क्योंकि हमें चीज तो उतनी मिल रही है. बोथ कंडीशन वी आर गेटिंग द सेम वन. सो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल बट लुक्स इज डिफरेंट. जो देखने में है लुक क्या है इनका, डिफरेंट है बट द मीनिंग इज सेम. सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वी रिक्वायर दीज फ्रैक्शंस फॉर मेकिंग लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है. जब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हो, लाइक्स बनाने हो, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करते हैं. ओके जैसे हमें किसी का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे राइट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. बाय मल्टीप्लाइंग वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब 1 अपॉन 2 है, इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं. तो हाउ कैन वी फाइंड, वी शुड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 2 से. बिकॉज 2 अपॉन 2 मींस 1. एज आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम दैट्स इक्वल्स टू 1. तो अब हम 2 अपॉन 2 का मतलब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. व्हेनेवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइंग बाय द सेम नंबर, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्रैक्शन. ओनली लुक इज डिफरेंट. सिर्फ उसका देखने में लुक डिफरेंट होगा बट द मीनिंग इज सेम. ओके नाउ 2 वंस आर 2 एंड 2 टू आर 4. सो यू कैन सी दैट्स 1 अपॉन 2 and that's 2 upon 4. Look different हो गए. As I explain you here, कि आपका look different है, but the meaning is same. Meaning क्या हो रहा है आपका, same. Okay? So like this you can find the equivalent fraction. क्योंकि हमें पूरे chapter में equivalent fractions की requirement बार बार रहेगी, addition और subtraction में भी, and comparing also. Okay? So like this we can find the equivalent fraction when you multiply numerator and denominator by the same number. Okay, now we come on our topics. So these are the basic things about the fraction. ये सब तो क्या था, basic था जो मैंने आपको fractions के बारे में बताया. And some definitions are there. Let me start now comparing and ordering numbers. How to compare the comparing and ordering fractions, not number, fractions. So how we will compare? So first of all, what you will do, first of all, whenever you compare, you will see the denominators. If denominators are same, then you can compare by the numerators. तब आपको कोई भी problem नहीं आएगी compare करने में. सिर्फ आपको numerator देखने हैं. Which numerator is big, that fraction is big. Which numerator is small, that fraction is small. Okay? So now, suppose you have 2 upon 5, 1 upon 5, 6 upon 5. Now you can see denominators are same. So we can compare only by the numerator. Which numerator is big, that is the highest fraction. And which numerator is small, that is the smallest fraction. So see, numerator there is 2, there is 1, there is 6. So 1 is the smallest and 6 is the highest. So 1 upon 5 is the smallest fraction and 6 upon 5 is the greatest fraction. ये सबसे big है and this is the smallest. So like this you can compare directly if your denominators are same. Denominator same से तो क्या है वो, like fractions. So like fraction में हमें कोई problem नहीं आएगी. We will compare only numerators. But if we have unlike fraction, अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हाउ वी कैन कंपेयर. फॉर दैट वी हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शन. हम उनको लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करेंगे. अगर 2 ही है हमारे पास फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन जैसे 7 अपॉन 10, 6 अपॉन 8, 2 फ्रैक्शंस हमारे पास. सो दीज वी कैन कंपेयर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. इनको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कंपेयर कर सकते हैं.
क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है हमारे पास, फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर, ओके, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई. 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 आर 56, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 6 आर 60. सो वी कैन सी दैट 60 इज ग्रेटर देन 56. जो 60 है वो 56 से क्या है, ग्रेटर. दैट मीन्स सेकंड इज ग्रेटर. सो 6 अपॉन 8 इज ग्रेटर एंड 7 अपॉन 10 इज स्मॉलर. अगर फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बिग है तो सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज बिग. इफ सेकंड प्रोडक्ट इज बिग सो सेकंड फ्रैक्शन इज बिग. दैट वी कैन कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज देयर इज ओनली टू फ्रैक्शंस. बट व्हेन यू हैव मोर देन टू सो हाउ यू विल कंपेयर, अगर टू से ज्यादा है तो कैसे कंपेयर करेंगे. सो फॉर दैट फर्स्टली वी मेक दैम लाइक फ्रैक्शन. सबसे पहले हम उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स उनके डिनोमिनेटर्स क्या बनाएंगे, सेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव 7 अपॉन 10, 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 20, ओके, एंड 1 अपॉन 3 अपॉन 10. नाउ वी कैन सी दैट दिस एंड दिस डिनोमिनेटर्स आर सेम, दीज आर द लाइक. सो दीज टू वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दैट 7 अपॉन 10 इज ग्रेटर एंड 3 अपॉन 10 इज स्मॉलर. बट हाउ वी विल कंपेयर दिस ऑल, इन सब पे हमें कैसे पता चलेगा, इनका कैसे पता चलेगा विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर. सो फॉर दैट वी शुड मेक द डिनोमिनेटर सेम. इनके डिनोमिनेटर्स को हम क्या बनाएंगे, सेम. हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम. सो फ्रॉम हियर वी फाइंड एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20. ओके, 5, 10 एंड 20. 10 टू टाइम है तो हम टू टाइम लेने की जरूरत नहीं, वी विल टेक ओनली वन टाइम. ओके, सेम है हमारे पास सो वी विल टेक ओनली वन टाइम. नाउ सिंपल वे आई टोल्ड यू दैट फाइंडिंग एलसीएम, वन वे इज दैट यू हैव टू फाइंड लाइक दिस. बट उससे पहले आप थोड़ा सा चेक कर लें, इफ द लार्जेस्ट नंबर इज कमिंग इन द बोथ स्मॉलेस्ट, जितने भी स्मॉलेस्ट है उन सबके टेबल में अगर आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है सो दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट इज योर LCM. तो आपको ऐसे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय द शॉर्ट वे यू कैन फाइंड द LCM. सो यू कैन सी दैट इन 5 टेबल वी हैव 20, 5 4s आर 20, एंड इन 10 टेबल आल्सो यू हैव 20, 10 2s आर 20. सो नो नीड टू फाइंड हियर बाय द लॉन्ग प्रोसेस, डायरेक्टली यू कैन टेल दैट देयर LCM इज 20. ओके, सो ट्राई टू फाइंड बाय द शॉर्ट वे. आप कोशिश क्या करो कि आप शॉर्ट वे से फाइंड करो, आप स्मॉलर नंबर की टेबल में लार्जेस्ट नंबर को चेक करेंगे, दैट इज कमिंग, सो लार्जेस्ट वन इज योर LCM. बट इफ दैट इज नॉट कमिंग एंड बोथ नंबर्स 2-3 नंबर्स सारे प्राइम है सो देयर प्रोडक्ट इज देयर LCM. तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनका LCM, अगर प्राइम नंबर्स है आपके पास तो. ओके, एंड मोस्टली आपके पास ये होता है कि लार्जेस्ट नंबर आपको मोस्टली आपको स्मॉलर नंबर की टेबल में मिलेगा, सो लार्जेस्ट वन इज योर LCM. इन सम कंडीशन यू रिक्वायर टू फाइंड दैट. ओके, नाउ वी शुड मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स 20. हाउ वी विल मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स 20, फर्स्टली 7 अपॉन 10. हाउ कैन वी मेक 10 एज 20, मल्टीप्लाइंग बाय 2. सो वी शुड नॉट मल्टीप्लाई ओनली डिनोमिनेटर, वी शुड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो. यानी कि आपने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को हम कर ही नहीं रहे, सो न्यूमरेटर ऑल्सो वी शुड मल्टीप्लाई. नाउ 7 टू जो है 14 एंड 10 टू जो है 20. ओके, सो इट्स बिकम 14 अपॉन 20. नेक्स्ट 1 अपॉन 5. हाउ कैन 5 बिकम्स 20, मल्टीप्लाई 5 4s आर 20, मल्टीप्लाई बाय 4. सो न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 4. सो 4 1s आर 4 एंड 5 4s आर 20. Then third one, 2 upon 20. It is already 20, so we should multiply by only 1. 2 ones are 2 and 20 ones are 20. Next is
3 upon 10. Now how can 10 becomes 20? 10 multiply by 2. So when 10 multiply by 2, so numerator also multiply by 2. 3 multiply by 2. 3 2 jar 6 and 10 2 jar 20. Okay? So these are the equivalent fraction of given fraction. जो एक given fraction थे, हमें इनके equivalent fractions write कर दिए and all denominators we make 20, 20, 20. Okay? Now we can compare directly. Now all are 20, 20, 20, 20. So we will see the numerators only. There is 2, there is 4, there is 6, there is 14. So this is the smallest one. Okay? So the smallest कौन सा हो गया? 2 upon 20. This is the smallest. Okay? On second number, this one will come. Third number, अब third पे कौन सा आएगा? Last. 6 upon 20. So this is on third number. जो 3 upon 10 था, वो 6 upon 20 बना. So this will come on the third number. And on last number, it will come. First पे ये, this is the smallest one. And this is the largest. It will come on second. And this is on third. And this is on fourth. Okay? If you are writing ascending order, so you write like this. And if you are writing descending order, so highest fraction will come on the first. This will come on the first, then second, third, fourth. In descending order, big to small, and ascending order, small to big. So like this you can compare and you can check that which is greater, which is smaller. Same process. Now we come topic addition and subtraction. So the same thing follow in addition and subtraction also. If you have like fractions, means denominators are same, so directly you can add. But if denominators are not same, so directly you can't add. For that, firstly you make the denominators same. Okay? Add and subtraction method is same. But first of all, you require to check the denominators. If denominators are same, so directly we should add only numerators. Okay? For example, 1 whole 4 upon 5 plus 3 whole 1 upon 5. Now you will see there is mixed fraction. What are these called? Mixed fraction. Whenever you have whole plus proper. जब आपके पास whole number और उसके साथ proper fraction है, so this is called mixed fraction. यहाँ पे both में whole number के साथ proper fraction है. So this is what? This is mixed fraction. So whenever you have mixed fraction, so first of all we change them into improper fraction. जब भी mixed है आपके पास, तो सबसे पहले तो हमें इन्हें improper में change करना होगा. Improper में कैसे करेंगे? Denominator multiply by whole. Denominator को whole से multiply करेंगे, then plus numerator. It will be our numerator. 5 ones are 5. 5 plus 4, 9. So 9 is our numerator upon 5. Plus next 5 3 is 15. 15 plus 1, 16. 16 upon 5. Now you will see both the denominators are 5, 5. So directly we can add. Denominator will come only one time. Common denominator, this is called common denominator. कि both का हमने common बना दिया, same denominator. So यहाँ पे, so one time हमने write कर दी, that is 5. Now we should add only numerator. 9 plus 16. 9 plus 16 is what? 25. Upon same denominator, that is 5. Now what is this? This is improper fractions. So whenever you have improper fraction, so what will we do? Numerator divided by denominator. हम इसको mixed में change करेंगे. So we will see that 25 divided by 5. Now 5 5s are 25. You get the remainder 0. That means it is completely divisible. 25 जो है वो 5 से divisible है. Complete divide हो गया. आपका answer आ गया 5. And remainder is 0. So that's equals to 5. That is your answer. Okay? So like this you will do. So take care about that. Whenever denominators are same, then directly you can add and subtract also.
सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, सो वी कैन डू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट. बट इफ योर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब मैं आपका सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेती हूँ. ओके, बिकॉज प्लस एंड माइनस आर सेम ओनली, सिंबल आपका चेंज होगा. प्लस का सिंबल है तो यू विल डू एडिशन, इफ सब्ट्रैक्शन सिंबल इज देयर सो यू विल डू सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ सपोज वी हैव 3 होल 2 अपॉन 9 माइनस 2 होल 1 अपॉन 2 होल 1 अपॉन 3. ओके, 3 होल 2 अपॉन 9 माइनस 2 होल 1 अपॉन 3. सो हाउ वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम प्रोसेस. There is mixed fraction, we change it into improper fraction. So 9 3 are 27, 27 plus 2 29 upon 9 minus 3 2 are 6, 6 plus 1 7, 7 upon 3. Now you will see denominators are not same, there is 9, there is 3. So how can we subtract? We can't subtract. So first of all, we should make the denominators same. Okay? So how can we make the denominators same? By taking their LCM. So firstly, we take LCM of 3 and 9. LCM of 9 and 3. LCM of 9 and 3. So we can see that in 3 table, we have 9. 3 3's are 9. So that means LCM is what? 9. Or LCM will be 9. As I told you that in smaller number, if we table we have big number. Agar smaller ki table mein big number hai aapke paas, so big will be our LCM. So in 3 table we have 9, 3 3 are 9. So that 9 is our LCM. Okay? Now we make the both denominators same. Now firstly we have 29 upon 9. There is already 9 denominator. So that will be multiplied by 1 only. 9 multiplied by 1. So that's become 29 upon 9. Now second is 7 upon 3. Now in 3 table where is 9? On 3 number. 3 3 are 9. So 7 upon 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Now 7 3 are 21. And 3 3 are 9. Now you can see both denominators are 9. So now easily we can subtract because denominators are same. So now 29 upon 9 minus 21 upon 9. Ab question pe koi effect nahi hua because we are writing their equivalent fraction. Humne sirf iska equivalent. So look wise change hua hai, but the meaning is same. Okay? So now 29 upon 9. Minus 21 upon 9. Both denominators are 9. Okay. So we'll take here common denominator 9. So now 29 minus 21. 29 minus 21 is what? 8 upon 9. Okay. Now 8 upon 9 is a proper fraction. A proper fraction bhi aa gaya to hume check karna hai. If denominators and numerators both are coming in same table, अगर कोई ऐसा number है जिसकी table में both आते हैं, so we should cancel it. हम इसको divide करेंगे. Cancel means we should divide by the same number. अगर same number की table में आते हैं, तो हम numerator और denominator both को divide करेंगे and we will reduce in lowest term. हम इसकी lowest term इसको reduce कर देंगे. But if that are not coming, so that's our final answer. So we'll see that 8 upon 9 is not coming in same table. किसी भी same table में ये नहीं आ रहा. So that means this is our answer. Okay? So like this you will do addition and subtraction. And like this you have to compare and learn all the definitions. So I hope you understand. So thank you.